सपने लेने का हक सबको होता है, पर ये जरूरी नहीं कि हर किसी के सपने पूरे हों। छोड़िए रेलवे का चक्कर और दफन कर दे अपने इन सपनों को संदूक में। चल चल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं संजीव राठौर फिर से आपके साथ हूँ एलडीसी स्पेशल इंग्लिश की क्लास लेकर, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं मॉडल पेपर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अपने आज पहली बार जुड़े होंगे, तो उनको हम बता दें कि अपनी जो क्लास है वो डेली 3 PM क्लास होती है। लगभग जितने भी टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट थे वो सारे टॉपिक्स हम लोग एक बार कंप्लीट कर चुके हैं। और कोई भी टॉपिक जो मेरे साथ नया स्टूडेंट जुड़ता है, जिन्होंने अभी तक मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं, उनसे पहले तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी क्लासेस को देख सकते हो। कोई भी टॉपिक ऐसा रहे जो आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो अपलोड होने के बाद कमेंट करके बता दीजिएगा, आपके टॉपिक को आपका नाम लेकर क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। कल का जो पेपर आया वो आसान पेपर था, ऐसा हमने नहीं कहा, आप सभी स्टूडेंट्स ने बताया। कल उसके हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, एनालिसिस कराया था, तो आप सब लोगों ने बोला था कि सर पेपर आसान आया था। अब जो 19 अगस्त को हमारा एग्जाम होने वाला है, किसके लिए? 19 अगस्त को। तो जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 19 अगस्त को एग्जाम है, तो उनके मन में एक डाउट है कि सर क्या इतना आसान पेपर फिर आएगा? रियली आएगा। अगर आप लोग मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, पढ़ोगे, अच्छे से तैयारी करोगे, तो हर टफ से टफ पेपर को आप आसान बना सकते हो। वो पेपर आसान नहीं आया था, ये आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन, आपकी हार्ड वर्क थी जिसने आपको एहसास कराया कि मेहनत करोगे तो हर पेपर को आसान बना सकते हो। थैंक यू सो मच, मेहनत करो, आगे बढ़ो। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्वागत है उन सभी स्टूडेंट्स का। तो रेडी आप सब लोग पेपर के लिए? सबसे लास्ट में क्लासेस जो अपनी है वो लास्ट तक चलेंगी, मतलब जिनका सबसे लास्ट में एग्जाम होगा ना उस पेपर का भी एनालिसिस करेंगे, तो आपकी क्लासेस तब तक चलती रहेंगी जब तक आप सभी के एग्जाम्स नहीं हो जाते। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। ओके, स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। आज का जो सेशन है वो 19 अगस्त वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसी तरह के हमने देखा फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चन पूछे गए, सिनोनिम्स एंड्रोनिम्स के क्वेश्चन आए, तो वही क्वेश्चन आज आपके सामने लाए। बढ़िया से प्रैक्टिस होगी क्योंकि अपने साथ टाइमर भी होगा। सर सबसे पहला डायरेक्शन स्टूडेंट के सामने और उसके बाद क्वेश्चन। तो देखो प्यारे दोस्तों, डायरेक्शन आपके सामने है और डायरेक्शन में दिया गया है Sentences are given with blanks to be filled with an appropriate word. आपके सामने एक सेंटेंस ब्लैंक दिया गया है, ब्लैंक में आपको एक वर्ड, सुटेबल वर्ड भरना है, वो वर्ड क्या होगा आपको जवाब देना। सर सबसे पहला क्वेश्चन, और गाइज आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, टाइम अप इस क्वेश्चन के लिए, तो फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। तो एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, जो लोग आपस में बात कर रहे हैं वो लोग अगर क्वेश्चन पे फोकस करें ज़्यादा खुशी होगी हमें, क्योंकि आप लोग आगे बढ़ेंगे, आप सीखेंगे। देखो, दिस इज द बैग इन द मनी वाज कैप्ट। देखो आप सब लोग जानते हो दिस का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी चीज पर इंडिकेट करें। दिस का यूज हम कब करते हैं? जब किसी की तरफ इंडिकेट करें, मतलब इशारा करें। अब इशारा करने का मतलब है कि उस चीज को हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। क्या कर लिया? जैसे मेरे पास बहुत सारे मार्कर हैं और हम कहते हैं ये वाला मार्कर नया है, ये वाला मार्कर नया, उसकी तरफ इशारा किया, मतलब उसको हमने सिलेक्ट करके बोला। और सिलेक्शन के लिए जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, विच होता है।
क्या होता है विच बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज है लेकिन वो मूवी जो आपको पसंद है तो हम लोग क्या यूज करते हैं विच मूवी डू यू लाइक मोस्ट. बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं लेकिन जो आप पसंद करते हो उसके लिए हम कौन से यूज करते हैं विच एक्टर डू यू लाइक मोस्ट विच एक्ट्रेस डू यू लाइक मोस्ट. तो जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं बहुत सारे लोगों में से किसी एक चीज किसी एक थिंग एक पर्सन को सिलेक्ट करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में हम किसका यूज करते हैं विच का. तो यहां पर जो हमारा सही जवाब जाएगा वो कौन सा हो जाएगा विच हो जाएगा. कौन सा हो जाएगा विच. आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी समझ गए होंगे आप लोग कोई डाउट किसी को. अगर हम बात करें दैट के यूज की आंसर तो हमारा क्या हो गया इसका विच हो गया. आंसर क्या हो गया हमारा विच हो गया. ठीक है अब अगर हम बात करें दैट की तो जो दैट है उसका यूज जो हम करते हैं उसके लिए बहुत सारे वर्ड है. ऑल के लिए करेंगे द ओनली के लिए दैट का यूज करेंगे फ्यू के लिए यूज करेंगे अ फ्यू के लिए यूज करेंगे. ठीक है द फ्यू के लिए भी हम दैट का यूज करेंगे द सेम के साथ भी हम दैट का यूज करेंगे और जब दैट का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा तो कंप्लीट रूल को हम डिस्कस करेंगे. ठीक है चलिए देखो पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग करा रहे किसी भी कॉन्सेप्ट को आप आसान और टफ नहीं कह सकते. कल का जो पेपर का लेवल था उसी के अकॉर्डिंग हमने बनाने की कोशिश की है. सर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके टाइम अप दोस्तों चलो फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए. देखो लेवल अगर कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखोगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनके जवाब आप आसानी से दे सकते हो. वी आर क्रेडिटिवली इन्फॉर्म दैट द मर्डरर हैज गिवन हिमसेल्फ टू द पुलिस डाउन अप अबाउट ऑन. कुछ लोग डाउन की बात कर रहे हैं ए जवाब दे रहे हैं कुछ लोग बी कह रहे हैं बी बोले तो अप आएगा. ओके डाउन और अप की बात कर रहे हैं. चलिए एक बार समझ लेते हैं. देखो हम लोग बहुत सारे फिक्स प्रेपोजिशंस पढ़ते हैं बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स पढ़ते हैं. ठीक है बहुत सारी चीज़ें हम लोग तैयार करके रखते हैं उनमें से जो एग्जाम्स में जब आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसके मीनिंग की ज़रूरत पड़ती है. यहाँ पर क्या है क्रेडिटिवली का मीनिंग होता है प्रशंसा रूप से. कोई खुश होकर कह रहा है प्रशंसा प्रशंसक होकर मतलब खुशी होकर कह रहे हैं कि मर्डरर ने खुद से क्या किया पुलिस के सामने समर्पण कर दिया पुलिस के सामने वो खुद पहुंच गया. उसके लिए क्या यूज करते हैं गिव अप का यूज करते हैं और गिव अप का मतलब क्या होता है समर्पण करना त्याग देना किसी चीज को. क्या हो जाएगा समर्पण करना. समझ रहे हो मतलब खुद से जाकर के मर्डरर ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया उसके लिए यूज करते हैं गिव अप. और यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा गिविन अप सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग. ठीक है बात करें गिव डाउन की तो किसी चीज को छोड़ देना गिरा देना. गिव अबाउट वर्ब की तरह हम लोग यूज कर लेते हैं. गिव ऑन भी हम लोग कभी कभी वर्ब की तरह यूज करेंगे बट जो सही जवाब है वो गिविन हिमसेल्फ अप टू द पुलिस क्योंकि गिविन अप का मीनिंग क्या हो जाएगा यहां पर समर्पण कर दिया उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया. ठीक है अबाउट नहीं सही होगा दोस्तों अबाउट नहीं पीके साहब यहां पर अप सही होगा गिव अप. ठीक है क्लियर समझ गया होगा. इस क्वेश्चन को जरूर नोट करिएगा नोट्स बनाया करो जिसका फायदा आपको एग्जाम में 100% मिलेगा. चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जिसका सही था बहुत अच्छी बात है जिसका गलत हो गया था उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. उम्मीद है कि एक बार सीखने के बाद दोबारा आपसे गलत
नहीं होगा। चलो फटाफट जवाब। I could not buy the book because it was out of print, out of sight, out of order या out of hand. I could not buy the book. कोई इंसान किताब को नहीं खरीद सका because book it was out of order थी, out of print थी या out of sight थी, out of hand थी, out of order. देखो आप कह रहे हो कि सर बहुत आसान क्वेश्चन है और इन आसान क्वेश्चंस के जवाब भी आप लोग गलत दे रहे हो। एक्चुअली इंग्लिश में क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा, हमेशा सीखने की कोशिश करो। चलो एक बार क्लियर कर लेते हैं, वो बुक जो है ऑर्डर इसलिए नहीं कर सके, देखो आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ साइट। जब आउट ऑफ साइट हुआ, आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ हैंड, इनके तो कोई सेंस ही नहीं बनते यार। वो बुक इसलिए ऑर्डर नहीं, इसलिए नहीं खरीद पाए, बात यहां पर खरीदने की हो रही थी। बुक किताब को खरीदने गया था, ऑर्डर करने की कोई बात नहीं, इस वजह से नहीं खरीद सका क्योंकि बुक जो थी वो थी नहीं, उसकी कोई भी कॉपी नहीं बची थी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्रिंट। क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्रिंट। समझ रहे हो, आउट ऑफ प्रिंट। यहां पर उसने बुक को क्यों नहीं खरीद पाया, क्योंकि वो जो बुक थी उसकी कोई कॉपी नहीं बची थी यार, वो बुक थी नहीं उसके पास जिससे वो खरीदने गया था। तो देखो आउट ऑफ साइट, साइट का मतलब तो नजर, दृश्य, निगाहों के सामने रखी होगी कोई चीज, तो भैया वो आपकी हो गई। आउट ऑफ ऑर्डर भी नहीं, आउट ऑफ हैंड भी नहीं, आउट ऑफ प्रिंट। वो किताब को इसलिए नहीं खरीद पाया क्योंकि उसकी कोई और कॉपी नहीं बची थी, अगले स्टॉक के लिए आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट का गलत था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत था। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा ध्यान दो, कोई बुक आप क्यों नहीं खरीद सके, क्योंकि उसके लिए कोई कॉपी ही नहीं बची यार, कुछ बचा ही नहीं, तो खरीदोगे कहां से। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत किसी को? एक बार फटाफट थम्सअप करके आप बताओ, एक बार थम्सअप करो और बताओ कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। देखो हो सकता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बहुत आसान लगे, बट जो ऑप्शन होते ना, आसान क्वेश्चन के ऑप्शन ऐसे बना दिए जाते हैं जो आपको उलझा सकें। इन्हीं से तो हमें गुजरना है आगे, इन्हीं से तो पार पाके निकलना है आगे, ठीक है। हाँ अभी सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चंस भी आएंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं, सारे टॉपिक्स कंप्लीट कराएंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए टाइम खत्म हुआ दोस्तों, इस क्वेश्चन का फटाफट जवाब दीजिए। आई नेवर फील अमंग स्ट्रेंजर्स टू सी टू इज इन टाइम एट अ लॉस। इसका जवाब दो। आपका एग्जाम किसी भी डेट को हो, किसी भी डेट को एग्जाम हो, आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे, आपको हर क्वेश्चन आसान लगेगा। आई नेवर फील अमंग स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स का मतलब आप लोग जानते हो अजनबी, जिनको हम जानते ना हो, जो हमारे लिए अनजान हो, जिनसे हम कभी मिले ना हो, जिनसे हमने कभी बात ना की हो, तो ऐसे लोगों के बीच में कभी भी कोई अच्छा फील नहीं कर सकता। आप एक बस में जा रहे हो, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, और आपके डिब्बे में जहां पर आप बस में बैठे हुए हैं या फिर आप ट्रेन में बैठे हो, और आसपास का जो माहौल हो उनमें सारे वो पर्संस हो जिनको आपने कभी देखा ही ना हो, तो हर इंसान, सीधा साधा इंसान भी ना, आपको एकदम खतरनाक लगेगा। तो कभी भी कोई इंसान आसान फील नहीं करता, अच्छा फील नहीं करता, किसके साथ? स्ट्रेंजर्स, अजनबियों के साथ। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, एट ईज, जिसका मतलब होता है आराम फील करना। क्या मीनिंग हो जाएगा, आराम। टू सी का मतलब देखना हो जाएगा, इन टाइम का मतलब समय, एट अ लॉस का मतलब होता है परेशान होना। एट अ लॉस का मतलब क्या होता है, परेशान होना, एट अ लॉस, इसका मीनिंग दरअसल होता है पजल्ड,
ओके तो ये भी नहीं हमारा जवाब हो जाएगा एट ईज। एक बार फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि कल के पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिले थे, बहुत सारे क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन, 15 के आसपास क्वेश्चन जो पेपर मेरे पास आया था, जो हमने कल आपको सॉल्व कराया था, उसमें 15 क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के थे। क्लियर दोस्तों? ओके आगे बढ़े। चलिए सर बच्चों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट दोस्तों अब। ओके टाइम अप दोस्तों, फटाफट जवाब दीजिए। हाँ देखो, जब ऑप्शन हमारे सामने होते हैं ना, तो हम लोगों को सारे ऑप्शन सही लगते हैं, ऐसा होता है। वी हैव अ न्यू टेक्स्ट बुक, रन आउट, टेकन आउट, ब्राउट आउट या स्टूड आउट। रन आउट तो आप जानते ही हैं, क्रिकेट मैच में देखते होंगे, रन आउट मतलब गिर जाना, छोड़ देना। रन आउट का मतलब क्या होता है? गिर जाना या छोड़ देना। रन आउट गिर जाना, ये हो गया जाकर के। ठीक है, सबके मीनिंग लिख देते हैं, जिसके भी मीनिंग आपको नहीं समझ में आते। टेकन आउट, टेकन आउट मतलब साथ ले जाना, साथ ले जाना। और अगला वर्ड है हमारा ब्रॉट आउट। ठीक है, इसका मीनिंग होता है प्रकाशित करना। मीनिंग क्या होता है इसका? प्रकाशित करना। उसके बाद आपके दर सामने दिया गया स्टूड आउट, बाहर करना, इसका भी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। वी हैव अ न्यू टेक्स्ट बुक, रन आउट नहीं आएगा। ठीक है, टेकन आउट साथ ले जाना, अ न्यू टेक्स्ट बुक क्या इसको यूज कर सकते हैं, या ब्रॉट आउट। इन दो में तगड़ी सी टक्कर है, इन दो में तगड़ी सी टक्कर है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे क्या लगाएं, क्या लगाएं, क्या लगाएं। तो देखो यहां पर बात हुई है, वी हैव ब्रॉट आउट अ न्यू टेक्स्ट बुक, मतलब एक नई टेक्स्ट बुक क्या की, प्रकाशित की। क्या की? प्रकाशित की। समझ में आ गया? सही जवाब क्या हो जाएगा? सी इज राइट ऑप्शन, सी इज राइट। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम क्लैपिंग करते हैं, तालियां बजाते हैं, और बेस्ट विशेज हमारे उन सभी स्टूडेंट्स को जिनका 19 अगस्त को एग्जाम है। इसी तरह की परफॉर्मेंस अगर आपने दी तो 100% आपकी जॉब लग जाएगी, आप LDC के एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो एक छोटी सी गुजारिश आप सब लोगों से, 800 से लगभग 900 के आसपास स्टूडेंट्स देख रहे हैं, और लाइक अभी आप लोगों ने 400 ने भी नहीं किए, तो फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए। जितने वो लोग लाइव देख रहे हैं फटाफट लाइक करिए, और चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, जो कि होगा आपका वर्ड से रिलेटेड। फटाफट लाइक करिए और हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। सर लगा दीजिए डायरेक्शन। तो नेक्स्ट डायरेक्शन आपके सामने है, आपको सेम वर्ड बताना है, सिनोनिम बताना है। वर्ड्स की आप लोग बहुत डिमांड करते हो कि सर वर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाओ, तो यहां पर आपको बताना है सेम वर्ड, या जिसे आप लोग कहते हो सिनोनिम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको जो वर्ड दिया जाएगा उसका सेम वर्ड बताना है, और अच्छे से बताने की कोशिश करिएगा। सर सबसे पहला क्वेश्चन, और टाइम स्टार्ट दोस्तों अब। ओके गाइस, क्वेश्चन आपके सामने है, वेरन का आपको बताना है सेम वर्ड। ऑप्शन आपके सामने है फर्टाइल, प्रोडक्टिव, स्टराइल और फ्रूटफुल।
सी, कुछ लोग कह रहे हैं ए, नहीं। देखो दोस्तों, आपको अपोजिट वर्ड नहीं देना है इसका, आपको देना है इसका सेम वर्ड। वैरन का मतलब जो होता है वो क्या होता है हमारा, बंजर। क्या होता है? बंजर, या जिसे हम लोग कह सकते हैं अनुपजाऊ, जिसमें कोई भी फसल ना उगती हो। फर्टाइल की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, फर्टाइल, तो इसका मतलब होता है उपजाऊ। फर्टाइल का मतलब क्या होता है? उपजाऊ। ये हमारा सेम वर्ड नहीं, अपोजिट वर्ड तो हो सकता था। प्रोडक्टिव, इसका ये भी सेम वर्ड हो सकता था। बात करें, सॉरी, अपोजिट वर्ड हो सकता था। फ्रूटफुल, वो भी अपोजिट वर्ड। हमें चाहिए था सेम वर्ड, जो कि हमारा कौन सा है, सी इज राइट। सी इज राइट, जिसका मीनिंग हमारा होता है क्या, बंजर। सी का भी मीनिंग क्या होता है, बंजर, जो कि हमारा सेम वर्ड हो जाएगा, क्योंकि हमें अपोजिट वर्ड नहीं चाहिए था, हमें इसका सेम वर्ड चाहिए था। क्लियर? ओके, नहीं वीडियो नहीं रुकी है, सब कुछ चला, रिफ्रेश कर लिया करो एक बार। सही जवाब सी है, सही जवाब क्या हुआ जा करके, सी। क्लियर? एक बार फटाफट थम्स अप करके बताओ सारी चीजें क्लियर हो रही। ये क्वेश्चंस देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपको जानकारी में होते हैं, आपने पढ़े होते हैं, आपको पता होता है, फिर भी कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं, वजह होती है लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से जवाब दे सकते हो, जल्दी जवाब दे सकते हो। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों चलो फटाफट जवाब दीजिए। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि सर मेरे कमेंट्स का जवाब नहीं दे रहे, यार भगवान की तरह आप लोग, सब लोग मेरे लिए, आप लोग बिल्कुल गॉड की तरह मेरे लिए, हम चाहते हैं कि हम सबके जवाब दें, सबकी बात सुने। लेकिन अगर सबकी बात सुनने लगेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि हम आपके पढ़ा नहीं पाएंगे। आप लोगों को लगता है कि आपने सर मेरी बात का जवाब नहीं दिया, तो क्या है कि आप वीडियो अपलोड होने के बाद कमेंट करिएगा, हम सबके कमेंट्स के जवाब देंगे, सबके जवाब देंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कैसे तैयारी करनी, हर बात का आपका जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल क्या है कि अभी क्लास में हम लोगों की पढ़ाई हो सकती है, अगर हम सबका जवाब देने लगेंगे ना, तो प्लीज यार फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। यार भगवान की तरह आप सब लोगों, भगवान का नाम लेना किसे बुरा लगता है, हमारे लिए भी आप इसी तरह के हो, तो आपका नाम लेना चाहते हैं, सबके नाम होते हैं सामने, दिल में बसे हुए आप सब लोग, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है, ठीक है। चलो इसका जवाब दो फटाफट। ऑब्सीन, इंडिसेंट, अनक्लियर, अनप्लेजेंट या डिसगस्टिंग। देखो हर सेंटेंस में, हर क्वेश्चन में दो ऑप्शन हमारे पास ऐसे होते हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। दो ऑप्शन तो अपने आप दूर भाग जाते हैं, दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। अगर इस वर्ड की बात करें जिसका मीनिंग होता है अशुभ व्यक्ति, क्या अशुभ, या जिसे हम लोग कह सकते हैं अश्लील व्यक्ति, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो मंदिर में भी जाके चप्पल चोरी कर लेते हैं, मंदिर में भी जाके उल्टा सीधा लोगों को बोल आते हैं, या गलत नजरिए से जाते हैं मंदिर में भी। तो देखो अब देखना जवाब क्या होगा, इंडिसेंट, अनक्लियर, अनप्लेजेंट या डिसगस्टिंग। सही जवाब हमारा होगा ए, क्योंकि अनडिसेंट का मतलब भी, डिसेंट आप लोग जानते हो, सॉरी इंडिसेंट, डिसेंट का मतलब सीधा साधा, जो बिल्कुल सिंपल पर्सन हो, सीधा साधा, और इंडिसेंट का मतलब ही होता है अशुभ या अश्लील। तो हम बात कर रहे थे अपने सेम वर्ड की, तो सेम वर्ड का जो अपना जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात करें अनक्लियर, जो स्पष्ट ना हो, बी का जवाब हमारा क्या हो जाएगा, अस्पष्ट, जो चीज हमारी क्लियर ना हो, ठीक है, अस्पष्ट, वो हो गया हमारा बी। बात करें अनप्लेजेंट, मतलब जो हमें अच्छी ना लगे, जो कड़वी लगे, वो हो गया अनप्लेजेंट। डिसगस्टिंग मतलब घृणित, घिनौना, तो इसलिए वो नहीं। हम बात करेंगे इनडिसेंट की, किसकी बात करेंगे, बहुत सारे लोग उलझे होंगे डी में, किसमें, डी में उलझे होंगे, बट आप जाइए किसके साथ, ए इज सुटेबल फॉर यू। ओके क्लियर, समझ में आ गया, इनडिसेंट इज राइट, इनडिसेंट इज राइट, ठीक है।
चलो वेरी गुड, थैंक यू सो मच. जिनका भी सही था उनके लिए क्लैपिंग करते हैं, जिनका गलत हो गया था भाई आप सबको सिखाने के लिए ही तो हम बता रहे हैं, जिनका गलत हो रहा उनका ही तो सही कराने के लिए बता रहे हैं. चलिए अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लाइव देख रहे हैं बट उन्होंने अभी भी लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक करिए अपने सेशन को, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने सेशन को ज्वाइन कर सके और अच्छे से एग्ज़ाम दे सके, पास हो सके. सर नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइम अप दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, यह आसान क्वेश्चन होगा आपके लिए. यह आपके लिए आसान क्वेश्चन होगा. जो वर्ड है उसका मीनिंग हमारा क्या होता है? सावधानी. मीनिंग क्या होता है विजिलेंस का? सावधानी. अब गए हम ए वर्ड पर जिसका मीनिंग क्या होता है? कॉशन. उसका मीनिंग भी कहीं ना कहीं हमारा वही होता है जो इस वर्ड का मीनिंग है. तो जवाब तो हमारा ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं. बाकी वर्ड ओवरसाइट. ओवरसाइट का मतलब होता है चौकसी या निगरानी करना. ओवरसाइट का मीनिंग दोस्तों क्या होता है? निगरानी करना. निगरानी, ठीक है, चौकसी करना. उसके बाद केयरलेसनेस आप लोग जानते ही हो, ठीक है. नेगलेक्ट माने भी नकार देना किसी चीज को. तो सही जवाब हमारा क्या हो गया? ए का वही मीनिंग होता है जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है. आई थिंक नहीं, बिल्कुल 100% आपका सही जवाब ए है और ये सबका सही जवाब है. सबके लिए क्लैपिंग करते हैं, सबका सही जवाब है. देखो आसान क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन कुछ नहीं, जो आपके एलडीसी का लेवल है ना उसी लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कराने हैं. कराने को तो आपको बहुत टफ क्वेश्चन करा दिए जा सकते हैं बट उन टफ क्वेश्चन का क्या फायदा जो आपके एग्जाम्स में ना आए. आपको उसी लेवल के क्वेश्चन कराने हैं जो क्वेश्चन जिस लेवल के आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आए. सर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, टाइम अप दोस्तों, चलो फटाफट जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का जो आपके सामने है. फॉरमोस्ट, इसका आपको सेम वर्ड बताना है. ओनली, फर्स्ट, मोस्ट इंथ्रेलिंग या मोस्ट परप्लेक्सिंग. फॉरमोस्ट का आपको सेम वर्ड बताना है. बी, कुछ लोग कह रहे हैं सी. ओके चलिए एक बार क्लियर कर लेते हैं. बात करें फॉरमोस्ट की तो इसका मतलब होता है पहला. मीनिंग क्या होता है? पहला. तो सही जवाब तो आपका वी हो गया, फर्स्ट. क्या हो गया? फर्स्ट हो गया. उसके बाद ओनली का आप लोग जानते ही हो केवल. मोस्ट इंथ्रेलिंग का मीनिंग की अगर हम बात करें तो बहुत ही बढ़िया, बहुत दिलचस्प, सबसे बढ़िया, ठीक है. और मोस्ट परप्लेक्सिंग का मतलब की बात करें तो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला. तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था. फॉरमोस्ट का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सबसे आसान क्वेश्चन था आपका, ठीक है. कोई दिक्कत किसी को? चलिए सर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. और दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट अप.
टाइम अप, चलो फटाफट जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। मॉर्न, आपके सामने ऑप्शन है स्क्रीम, क्राई, लेमेंट या रिग्रेट। जिसका सही था तालियां बजाते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिसका गलत था उनका जरूर आगे वाला सही होगा और एग्जाम में वो लोग सही करके आएंगे। मॉर्न, ठीक है। देखो जो वर्ड हमारा दिया गया है उसका मीनिंग होता है शोक मनाना। मीनिंग क्या होता है? शोक मनाना, ठीक है। तो वर्ड तो हमारा क्लियर हो गया। बात करें स्क्रीम की, तो स्क्रीम का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। स्क्रीम का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। क्राई का मतलब भी कहीं ना कहीं हमारा चिल्लाना ही होता है। क्राई का मीनिंग भी क्या होता है? चिल्लाना। बात करें अगर हम सी वर्ड की, तो सी ही आपका जवाब है, क्योंकि इसका मीनिंग भी होता है शोक मनाना। क्या होता है? शोक मनाना। ओके, तो सही जवाब तो हमारा सी हो गया जाकर के। डी का मतलब क्या हो जाता है? पछतावा करना। जी का मतलब, डी का मतलब क्या होता है? पछतावा करना। तो सही जवाब क्या हो गया आपका? सी हो गया। ओके, ये जो मॉडल पेपर हम आपके सामने लेकर आए हैं, ये जो कल का आपका पेपर था ना, उस पैटर्न को देखने के बाद इसको बनाया, क्योंकि उसी पैटर्न के क्वेश्चन अगर कराए जाएंगे, उम्मीद है इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे जिस तरह का पेपर कल हुआ था। बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस बात का एहसास आपको तब होगा जब आप एग्जाम देने के बाद आओगे, क्योंकि अभी आपको लगता है लेवल कम है, हाई है, लो है। देखो लेवल कॉन्सेप्ट का कुछ नहीं होता, आपके एलडीसी के एग्जाम में सेम एट इज ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस तरह के कल के पेपर में देखे गए हैं, और वही हमने आपके लिए मॉडल पेपर बनाने की कोशिश की, ठीक है। ये वो पेपर नहीं है जो कल आया हुआ है, वो पेपर नहीं भैया, ऐसी गलतफहमी मत पालना। ये हमने मॉडल पेपर क्रिएट किया है कल के टॉपिक के बेस पर। कल वाला जो पेपर था वो हम कल ही डिस्कस उसके कुछ क्वेश्चन करा चुके थे। चलिए सर लगा दीजिए अगला डायरेक्शन बच्चों के लिए। तो दोस्तों अब जो डायरेक्शन आपके सामने है, अगला डायरेक्शन आपके सामने है अपोजिट वर्ड से रिलेटेड। किससे है? अपोजिट वर्ड। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपोजिट वर्ड आएंगे, क्योंकि जब हम लोग सेम वर्ड करते रहते हैं ना, तो सेम वर्ड करते 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 आदत पड़ जाती है सेम वर्ड करने की, और बीच में अगर अपोजिट वर्ड का क्वेश्चन रख दिया जाए तो स्टूडेंट से गलतियां हो जाती हैं। तो अपोजिट वर्ड लगाइए, ठीक है। चलिए फटाफट सबसे पहला क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप ट्रांसफॉर्मेशन का स्पेशल सेशन लेके आएंगे आप सब लोगों के लिए। अभिक जी आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, प्रॉपर स्टूडेंट हैं, बट जिस तरह का बिहेव इस टाइम आप क्लास में कर रहे हो ना, इसी तरह के बिहेवियर की वजह से बच्चों को ब्लॉक करना पड़ता है। आप जब से आए हो तब से सिर्फ एक ही बात कह रहे हो कि सर मैंने कुछ नहीं किया था, आपने ब्लॉक क्यों किया। भाई अभी तो आज तो हमने किसी को ब्लॉक ही नहीं किया यार, ठीक है। तो आप अगर गलतियां करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को गुमराह करें, परेशान करें। हमें पता है कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, रेगुलर हमारी क्लास ज्वाइन करते हो, बट अगर इस तरह की गलतियां करोगे तो बुरा लगता है, ठीक है। बिहेवियर में चेंजेस मत लाइए। हाँ, आप कमेंट्स कर रहे हो तो किस तरह से आप ब्लॉक हुए हैं, हमें तो नहीं लगता आप ब्लॉक हैं। केयरफुल, इसका आपको अपोजिट बताना है। केयरफुल का क्या बताना है? अपोजिट। नेग्लिजेंट, अवेयर, अवेक या फिर अलर्ट। केयरफुल का मीनिंग सब लोग जानते हैं, सावधानी। केयरफुल का मीनिंग क्या होता है? सावधानी। और बात करें अगर हम अपोजिट वर्ड की, तो नेग्लिजेंट का मतलब ही होता है लापरवाही। क्या मतलब हो जाता है? लापरवाही। नेग्लिजेंट का मीनिंग क्या हो जाता है? लापरवाही। तो सही जवाब तो हमारा ए हो गया। सही जवाब क्या हो गया? अवेयर, जानकार होना, अवेक, जागना, अलर्ट भी होशियार रहना। तो ये सभी आपके तीन बी सी और डी ये नहीं हो रहे थे, लेकिन सही जवाब हमारा क्या हो गया? ए वाला सही जवाब हो गया। बात करें अगर हम कल के पेपर की, तो कल के पेपर होने के बाद ही हमने उसको डिस्कस करा दिया था, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये मॉडल पेपर है, कल के पेपर के पैटर्न को देखकर तैयार किया गया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन,
बात करें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका डिफ्लेट। तो इसमें बात करें तो ऑप्शन है डिफीट, ग्रो, इन्फ्लेट और रिड्यूस। ये राजस्थान एलडीसी का मॉडल पेपर है जिसमें इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दो। आपको इसका अपोजिट वर्ड देना है, आपको इसका एंटोनिम बताना है। देखो डिफ्लेट की मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है, कभी कभी आपने देखा होगा पहिए में हवा कम कर देना, ठीक है, कम करना, या फिर इसके मीनिंग के लिए हम लोग कह सकते हैं हवा कम करना। आपने देखा होगा गर्मी के सीजन में, गर्मी के मौसम में कभी कभी हम लोग अपने टायर में हवा कम कर देते हैं जानबूझकर। डिफीट माने हराना, ग्रो माने बढ़ना, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। हमें चाहिए यहां पर अपोजिट वर्ड एंटोनिम, तो इन्फ्लेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फ्लेट, जिसका मतलब होता है बढ़ाना। मीनिंग क्या होता है? बढ़ाना या हवा बढ़ाना, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। तो डिफ्लेट और इन्फ्लेट एक दूसरे के अपोजिट हैं, बोलने में भी एक जैसे लग रहे हैं, इस वजह से ये आपका जवाब हुआ जाकर के सी। ग्रो का मतलब बढ़ना होता है। क्या होता है? बढ़ना होता है, किसी चीज का बढ़ना। यहां पर बात हो रही थी हवा कम करना या हवा बढ़ाने की, तो वो हमने आपके सामने लिख दिया जाकर के। क्लियर? कल का पेपर हम इंग्लिश का करा चुके हैं, कल 5:30 बजे हमने इंग्लिश का पेपर कराया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, टाइम अप मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होगा। रिवेल, रिवेल एक्सपोज, हाइड, नरेट या डिस्क्राइब। रिवेल का अपोजिट वर्ड बताना, एक्सपोज, हाइड, नरेट या डिस्क्राइब। देखो रिवील का मतलब क्या हो जाता है? किसी चीज को सामने कर देना, खुलासा कर देना, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि जिसका भंडाफोड़ कर दें, सामने ले आए चीजों को, खुलासा करना, ठीक है। रिवील का मीनिंग क्या हो जाता है? खुलासा करना। अब हमें चाहिए इसका अपोजिट वर्ड। एक्सपोज तो इसका सेम वर्ड हो जाता, नरेट मतलब किसी चीज को सामने लेके आना, डिस्क्राइब भी वर्णन करना। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? बी, हाइड, जिसका मीनिंग क्या होता है? छिपाना। मीनिंग क्या होता है? छिपाना। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, ये टफ वर्ड नहीं है, परेशान करने वाले वर्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। बाबू ऐसा मत किया करो, देखो आप सब लोग जानते हो हमने आपको बोला कि यार गॉड की तरह हो, भगवान से कम नहीं हो आप, मेरे लिए भगवान की तरह हो। हम हर किसी का नाम लेना चाहते हैं, हर स्टूडेंट का नाम लेना चाहते हैं, बट अगर हम सिर्फ नाम लेंगे ना, इतने सारे मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, अगर हम नाम लेना शुरू कर दें तो आप सभी लोगों का सिर्फ नाम लेना ले पाएंगे, तो फिर हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। 19 तारीख को अपना एग्जाम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्जाम की तैयारी अपनी यहाँ की क्लासेस से ही करते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनके लिए हम सबका नाम लेंगे, सबकी क्लासेस लेंगे। आप सिलेक्ट हो जाओ, अच्छे से मेहनत करो, आगे बढ़ो, अपना नाम बनाओ, अपने माँ बाप का नाम बनाओ, सबका नाम लेंगे, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टाइम अप, चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो। वर्च्यू, जेलिसी, वाइस, इम्परफेक्शन या डिफेक्ट।
मनप्रीत कौर जी आप एक बार चेक कर लीजिए, वो बिल्कुल सही हमने मीनिंग उसका और ऑप्शन बिल्कुल सही था, एक बार आप अपने आप को चेक कर लें। वर्च्यू का आपको अपोजिट वर्ड बताना है, जेलसी, वाइस, इम्परफेक्शन या डिफेक्ट। बात करें वर्च्यू की, तो वर्च्यू का मीनिंग क्या होता है? गुड। मीनिंग क्या होता है वर्च्यू का? गुड मीनिंग होता है। बात करें अगर हम बी वर्ड की, तो जो वाइस दिया गया उसका मतलब क्या होता है? अवगुण या दोष। क्या मीनिंग होता है? तो गुड का तो अपोजिट क्या हो गया? दोष हो गया जाकर के। जेलसी आप लोग जानते ही हो, जलन। वाइस हमने बता दिया, इम्परफेक्शन आपको बता ही दिया, डिफेक्ट भी होता है कमी। क्या होता है? कमी। तो सही जवाब गुड का अपोजिट क्या हो जाएगा? दोष हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत किसी को? मनप्रीत कौर जी एक बार आप प्लीज चेक कर लीजिए, हमने जो बताया था वो बिल्कुल सही था, उसमें कोई डाउट नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, विपिन परियार जी थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन आपके सामने है। नेक्स्ट डायरेक्शन में आपको दिया गया है कि अ सेंटेंस हैज been given in active and passive voice, और आपको या तो sentence active में दिया गया होगा तो passive बनाना है, या passive में दिया गया होगा तो active बनाना है। सर सबसे पहला question और time start दोस्तों अब। टाइम अप, जो पिछला वर्ड था इम्परफेक्शन उसका मीनिंग था अपूर्ण। उसका मीनिंग क्या था? जो अपने आप में कंप्लीट ना हो उसके लिए यूज करते थे, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। ठीक है, जिनका नेक्स्ट 19 को एग्जाम है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। ही इज राइटिंग अ लेटर। तो आपको याद होगा जब हम आपको पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस पढ़ा रहे थे तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, याद होगा? जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको ट्रिक बताई थी कि आपको हमेशा क्या याद रखना है। वो ट्रिक क्या थी? ऑप्शन से आप सॉल्व कर सकते थे, ट्रिक ये थी। और ज़्यादातर 90% क्वेश्चन इस लॉजिक पर सॉल्व हो जाते हैं। दरअसल कोई इंग्लिश में ट्रिक नहीं होती, लेकिन आपके काम को आसान बनाने के लिए जो नई नई चीज़ें लाई जाती हैं, नए आइडियाज़ आपको दे दिए जाएं, वो ट्रिक का काम करते हैं। तो ट्रिक क्या थी कि जब भी किसी टेंस का पैसिव बनाना है तो नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी है। ठीक है, जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना रहे हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, और जब बात करें हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की, किसकी बात करें? कॉन्टिन्यूअस में हम बीइंग जोड़ देते हैं। इस दो लाइन को अगर आप याद रखोगे तो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस के आपको रूल से याद करने की कोई जरूरत नहीं है, रूल से आप बच जाएंगे। और रूल से बचना जिस दिन आपने सीख लिया उस दिन आपकी सक्सेस आपके दरवाजे पर होगी। फिर से समझो, जब भी हम किसी सेंटेंस को पैसिव से एक्टिव या एक्टिव से पैसिव बनाएं, एक्टिव से अगर हम पैसिव की तरफ जा रहे हैं तो हमें क्या करना है कि उसके नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करने। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, और कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं? विंग का यूज कर देंगे। समझ रहे हो ना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में विंग आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम बनाते नहीं है क्योंकि उसकी हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। तो इतनी बात। और अगर पैसिव से एक्टिव लाने हो तो उल्टा कर दीजिए। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और फटाफट जवाब दीजिए।
पवन कुमार गौतम जी, थैंक यू सो मच। प्रवीण कुमार जी का आंसर आ गया। पीटू जी आंसर दे रहे हैं, पीके डॉन जी आंसर दे रहे हैं, कोमल जी आंसर दे रहे हैं, आशीष का भी जवाब सी आ रहा है, चंद्रा रॉय जी कह रहे हैं ए, सूरज चौधरी ए, ओके थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं। द मैन कट द ट्री इंटू थिन स्ट्रिप्स, द मैन कट द ट्री इंटू थिन स्ट्रिप्स। आप सब लोग जानते हो कट जो है वो तीनों फॉर्म में सेम रहता है, तीनों फॉर्म में कैसा रहता है, सेम रहता है, कट कट कट। तो यहां पर आप किसके साथ जाओगे, द ट्री कट इटसेल्फ। अगर ट्री सिंगुलर है तो कट नहीं, फिर क्या होना चाहिए था, कट्स होना चाहिए था, ओके फिर आया द ट्री हैज कट इंटू थिन स्ट्रिप्स बाय द मैन, या द ट्री कैन बी कट इंटू इन स्ट्रिप्स बाय द मैन। बात करें अगर हम इस सेंटेंस की, तो आपको अच्छे से याद होगा कि जब भी हम प्रेपोजिशंस के साथ किसी को जोड़ते हैं तो उसके प्लेस में कभी कोई चेंजेस नहीं करते हैं। इस वजह से आपका जवाब क्या हो गया, ए। और सही जवाब क्या होगा, द ट्री कट, द ट्री वॉज कट इंटू थिन स्ट्रिप्स वाई द मैन। ऑब्जेक्ट को हम कहां पर ले जाने की कोशिश करेंगे, बाद में, क्लियर। एलडीसी के लिए मैथ्स की क्लास डेली होती है, डेली क्लास 1 बजे होती है, तो हो चुकी है क्लास वो, ओके चलिए चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन में। टाइम स्टार दोस्तों अब। टाइम अप दोस्तों, चलो फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दो। माय फादर गेव मी 100 रुपी नोट यस्टरडे, माई फादर गेव मी 100 रुपी नोट यस्टरडे। इस क्वेश्चन का फटाफट जवाब दो, ए। इसमें भी बता रहे हैं ए। आप सब लोग जानते हो जब भी हम वॉइस की बात करते हैं तो हमें सेंटेंस जो है पैसिव से एक्टिव भी आ सकता है या एक्टिव से पैसिव भी आ सकता है, ठीक है। तो देखिए और क्या होता है कि हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को किस में चेंज करना होता है, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को हम किस में चेंज कर लेते हैं, सब्जेक्ट में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। बस यही हमें ध्यान देना होता है। तो माय फादर गेव मी 100 रुपी नोट यस्टरडे, और इसमें हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे तो सही जवाब हमारा फिर से कहां जाएगा, 100 रुपी नोट वॉज गिवन टू मी बाई माई फादर यस्टरडे। पी में जाए तो उसमें लिखा हुआ है नॉट आ गया, नॉट तो नहीं करना था। फिर गए सी में, उसमें भी नॉट आया हुआ है। गए डी में तो माय फादर वाज गिवन 100 रुपी नोट बाय मी, वो भी गलत हो गया। तो सही जवाब हमारा क्या हो गया जाकर के, ए इज राइट। सही जवाब क्या हो जाएगा, ए, क्लियर। 100 रुपी नोट, नोट की स्पेलिंग NOTE होना चाहिए, वहां पर क्या होना चाहिए था, NOTE। आप लोग होशियार हो ना तो समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, नोट की स्पेलिंग चेंजेस हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे परेशान ना हुआ करो, क्लियर। चलिए सर लगा दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम अप, चलो फटाफट जवाब दीजिए। द पायलट लैंडेड द प्लेन सेफली, ये आसान क्वेश्चन होगा आपके लिए क्योंकि आप लोग होशियार हो गए हैं और हर टफ से टफ क्वेश्चन आपके लिए आसान होता है।
टेंस का याद रखना, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द प्लेन वॉज लैंडेड सेफली बाय द पायलट, द प्लेन वॉज लैंडेड सेफली बाय द पायलट। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी इज राइट ऑप्शन फॉर यू, ओके। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही था, ये बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेहनत करिए, पढ़िए, क्वेश्चन को सिंपल और टफ बनाने की, कहने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो, जिनको आता है उनके लिए टफ से टफ क्वेश्चन बहुत आसान होगा, जिसको नहीं आता उसके लिए हलवा टाइप का क्वेश्चन भी उसको मिर्ची लगेगा। कैसा लगेगा, मिर्ची लगेगा। तो ये था आज का सेशन। अब जिनके जो भी टॉपिक्स वीक हों, कमज़ोर हों, हम चाहते हैं कि मॉडल पेपर कुछ दिन, एक दो दिन टॉपिक वाइज ले लें जिसके ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे तो ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन सेशन लेके आए, वोकैब पे आ रहे तो वोकैब का सेशन लेके आए। उन सेशन के लिए आप कमेंट जरूर करिएगा। तो जिन्होंने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट लाइक कर दो। पहले की अपेक्षा देखा जाए राजस्थान एलडीसी वाले स्टूडेंट्स थोड़े से कंजूस हो गए हैं। पहले लाइक शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करते थे, बट अब लाइक शेयर करना भूल गए ये लोग, क्योंकि अब एग्जाम हो गया ना बहुत सारे स्टूडेंट्स का। ऐसा नहीं किया करो, जिनका आगे आने वाला एग्जाम, लाइक शेयर जरूर किया करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रह जाते हैं अपनी क्लास लेने से, बिकॉज कि आप लोग शेयर नहीं करते हो। ज्ञान को जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा, ये रियल फैक्ट है, मानो या ना मानो। जितना आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, जितना लोगों को दोगे उतना ही आप आगे जाओगे। तो लाइक और शेयर किया करो, कमेंट्स करके जरूर बताना जो भी टॉपिक आपका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जिसके ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो वो हम क्लास में करा देंगे। आपका जो भी टॉपिक वीक हो वो हमें बताइए, आपके अकॉर्डिंग सेशन को लेके चलेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और वाईफाई स्टडी का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ाकर। आप लोग सिलेक्ट हो जाए उससे बढ़िया बात मेरे लिए नहीं हो सकती। तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में नए टॉपिक, बहुत सारे नए स्टूडेंट्स के साथ, नए एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।